कनाडा सीनेट के स्पीकर और कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल के नेता जॉर्ज जे फ्यूरी के नेतृत्व में कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल 13 से 14 फरवरी 2020 तक दो दिवसीय भारत यात्रा पर है। यात्रा के पहले दिन यानी 13 फरवरी को शिष्टमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि ऐसी यात्रा से भारत और कनाडा के लोगों और सांसदों के मैत्री संबंध और प्रगाढ़ होंगे। शिष्टमंडल ने ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल सहित संसदीय ज्ञानपीठ एवं संसद संग्रहालय का दौरा किया। इस बात का उल्लेख करते हुए कि संसदें पूरे विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अंतर संसदीय यात्राओं से देशों और विशेष रूप से दोनों लोकतांत्रिक देशों के सांसदों के संबंधों को मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोकतांत्रिक देशों को संसदीय राजनय को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्तमान यात्रा से दोनों देशों के सांसदों को परस्पर हित और लाभ के मामलों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओटावा के ऐतिहासिक शहर की अपनी हाल में की गई यात्रा का उल्लेख भी किया। उन्होंने कनाडा की संसद द्वारा भारतीय शिष्टमंडल का गर्मजोशी से आतिथ्य सत्कार करने के लिए शिष्टमंडल का आभार व्यक्त किया। श्री बिरला ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच मजबूत आर्थिक भागीदारी है तथा द्विपक्षीय व्यापार की संभावना के पूर्ण उपयोग के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। श्री बिरला ने यह भी कहा कि दोनों देश शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और रक्षा के क्षेत्रों सहित ऊर्जा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारी सशक्त आर्थिक भागीदारी और मजबूत होगी तथा परस्पर लाभ के संभावित क्षेत्रों में भागीदारी शुरू की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2015 में कनाडा यात्रा की सफलता के बारे में बताते हुए कहा कि इस यात्रा के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध में रणनीतिक भागीदारी के साथ एक नया आयाम जुड़ गया। इसके पश्चात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की फरवरी 2018 में भारत की पहली शासकीय यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान की। लोकसभा अध्यक्ष ने कनाडा के शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध वहां के लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित हैं, इसलिए सांस्कृतिक आदान प्रदान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आपसी विश्वास पर आधारित है। उन्होंने कनाडा में भारतीय परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए कनाडा के शिष्टमंडल का आभार व्यक्त किया। श्री बिरला ने कहा कि कनाडा में महात्मा गांधी का बहुत सम्मान किया जाता है। उन्होंने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के लिए समर्पित किए जाने के लिए कनाडा के शिष्टमंडल को धन्यवाद दिया। प्रत्युत्तर में महामहिम जॉर्ज जे फ्यूरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए उत्कृष्ट आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि उनकी भारत की यात्रा से नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कनाडा के समाज और अर्थव्यवस्था में भारतीयों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना की।